दोस्तों मैंने होस्टिंग परचेज किया है होस्टिंगजर से एंड डोमेन परचेज किया है गोडैडी से। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे गोडैडी से परचेज किया हुआ डोमेन को आप होस्टिंगजर के होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने होस्टिंग परचेज किया है होस्टिंगजर से एंड डोमेन किसी दूसरे वेबसाइट से परचेज किया है, तब भी ये जो प्रोसेस है, आगे जितना भी प्रोसेस मैं बताऊंगा वो लगभग सिमिलर होने वाला है। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट से आप डोमेन परचेज करो, उस डोमेन को अपने होस्टिंगजर के होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आज के इस वीडियो में आप सीख जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजित मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेबसाइट गाइड हिंदी में, जहाँ पे आपको हर रोज वेबसाइट रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके अगर आप ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हो तो जब भी इस चैनल पे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने होस्टिंगजर के अकाउंट में लॉग इन कर लेना होगा, जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे लॉग इन हो जाइए। और जहां से आपने अपना डोमेन परचेज किया, जैसे कि मैंने यहां पे गोडैडी से किया है, तो जहां से आप अपना डोमेन परचेज किया है वहां पे भी आपको लॉग इन हो जाना होगा। तो मैंने अपने दोनों ही अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अभी होस्टिंगजर पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपका होस्टिंग शो करेगा और नीचे जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया वो सारा कुछ शो करेगा। होस्टिंगजर से मैंने एक डोमेन भी परचेज किया था, इसलिए यहाँ पे डोमेन शो कर रहा है। अगर आपको सिर्फ होस्टिंगजर का होस्टिंग देखना है तो यहाँ पे होस्टिंग का एक ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाता है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो होस्टिंगजर से जिस होस्टिंग को आपने परचेज किया है सिर्फ वही होस्टिंग आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो होस्टिंग अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैनेज का बटन है, इस मैनेज के बटन पे क्लिक करना होगा। मैनेज के बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर डिटेल्स नाम का एक ऑप्शन आपको शो करेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम सर्वर्स, दो नेम सर्वर्स आपको शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नेम सर्वर और दूसरा नेम सर्वर। आपको इन दोनों नेम सर्वर को अपने डोमेन के नेम सर्वर के साथ रिप्लेस करना है। कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पे मैंने गोडैडी से डोमेन को परचेज किया, तो गोडैडी के अकाउंट में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद माय प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। माय प्रोडक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका डोमेन यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने दूसरे किसी कंपनी से डोमेन परचेज किया है तो वहां पे जहां पे भी आपका डोमेन शो कर रहा है वहां पे जाइए और आपके डोमेन के साइड में ही मैनेज का एक ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक मैनेज डीएनएस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सारे रिकॉर्ड शो होंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको नेम सर्वर शो करेंगे। ये आपके डोमेन का नेम सर्वर है, इनको आपको चेंज करना है और यहाँ पे होस्टिंग का जो नेम सर्वर है उसके साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे चेंज के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। नीचे यहाँ पे एंटर माय ओन नेम सर्वर्स एडवांस्ड करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से एक एक करके नेम सर्वर को कॉपी करना है। पहला नेम सर्वर मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करने का शॉर्टकट है Ctrl+C और पेस्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+V, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही नेम सर्वर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है और अभी यहाँ पे सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको आपको चेक करना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली इतना काम आपको करना है और कुछ देर तक वेट करना है। आपको मैक्सिमम 24 आवर्स तक वेट करना पड़ सकता है और कुछ देर बाद जब आप यहाँ पे आके चेक करोगे अपने डोमेन जहां से परचेज किया वहां पे अगर आप आके चेक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का शो करेगा। वी कांट डिस्प्ले योर डीएनएस इन्फॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर्स आर नॉट मैनेज्ड बाय अस। तो अभी जो आपका नेम सर्वर है वो ये जो होस्टिंगजर है ये मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपने गोडैडी से या दूसरे कंपनी से डोमेन को परचेज किया था वहां पे डीएनएस शो नहीं करेगा। अभी ये जो एक्सेस है ये होस्टिंगजर के पास चला गया है। बस इतना सा काम आपको करना है और अभी आपको यहाँ पे होस्टिंगजर के होम स्क्रीन पे चला आना है। यहाँ पे होम का बटन आप देख सकते हो। दोस्तों होस्टिंगजर के होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करना है। होस्टिंग पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा और यहाँ पे ऐड वेबसाइट का एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऐड वेबसाइट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप करना है। www. पहले ही दिया हुआ है इसलिए उसको नहीं लिखना है। तो मेरा जो डोमेन है वो है राजदीप मिश्रा.com। मैंने डोमेन यहाँ पे टाइप कर दिया है और अभी यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा और फिर ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखा रहा है वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली,
अभी यहाँ पे होस्टिंग पे चलते हैं और होस्टिंग पे आप देखोगे यहाँ पे दो डोमेन कनेक्ट हो चुका है। तो पहला वाला तो हमने एक्टिव कर लिया है और इसका ट्यूटोरियल भी हमने बना दिया है, चैनल के अंदर आप चेक कर सकते हो। और दूसरा वाला जो है इसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैनेज बटन पे पहले क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डोमेन नेम शो करेगा, यहाँ से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपके सारे डोमेन को यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर का एक बटन देखने को मिल जाएगा वेबसाइट सेक्शन के अंदर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वो सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट या ब्लॉग को डेवलप कर सकते हो। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट या बिजनेस के लिए, या फिर अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट या मैगजीन वगैरह बनाना चाहते हो, न्यूज़पेपर का वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे आप प्रोग्राम्स चेक कर सकते हो। हमें बेसिकली यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और जो पासवर्ड है उसको आप अपने हिसाब से एक सेट कर सकते हो। वेबसाइट टाइटल दे सकते हो, अभी तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का वर्जन शो करेगा और इंस्टॉल जो बटन है इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने में, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करना चाहते हो तो यहीं से आप चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वेबसाइट लोड हो चुका है और मैं लकी हूँ कि मेरा जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कुछ सेकंड्स के अंदर ही कनेक्ट हो चुका है। हालांकि इसमें 24 आवर्स तक लग सकते हैं और आप देख सकते हो इसमें वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पे एक बेसिक सा वेबसाइट यहाँ पे लोड होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट इसी को आप चाहो तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक दे सकते हो, एक ब्लॉग का लुक दे सकते हो। ये जो डोमेन है इसको मैंने इसीलिए परचेज किया है ताकि इस डोमेन के ऊपर अलग अलग सब डोमेन में मैं अलग अलग टाइप के वेबसाइट कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों को सिखा सकूं। कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या अलग अलग टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम करूंगा उन सारे वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है ये सब कुछ इस चैनल पे आपको सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के क्या क्या फायदे हैं और ब्लॉगिंग फील्ड में वर्डप्रेस इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, ज्यादातर ब्लॉगर वर्डप्रेस को ही क्यों चूज करते हैं जबकि ब्लॉगर जैसे फ्री प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन एंड ईमेल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करें। दिस इज अ न्यू चैनल और ये चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप सब मिलके सपोर्ट करोगे। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और भी वीडियोज बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।